हेलो दोस्तों, तुसी देख रहे हो गुरु ज्ञान। अज मैं तुहाडे अगे एक नवीं साखी लेके आया हाँ। दोस्तों, साखी की शुरुआत करन तो पहला मैं तुहानू एक गल दसना चाहुंदा हाँ कि मैं जो भी साखी तुहाडे अगे पेश करता हाँ वो कोई झूठ जां मनघड़त नहीं हुंदी, वो बिल्कुल सच्ची घटना हुंदी है। पहला मैं उस साखी की पड़ताल करता हाँ कि सही है, उसते पूरा सही पाए जाण ते ही मैं यूट्यूब उत्ते अपलोड करता हाँ। ये सारियां साखियां एक किताब के विच छपियां हुई हैं अते उस किताब विच जिस व्यक्तियों नाल ये साखी वापरी हुंदी है उन्हां दा नाम अते उन्हां दे पिंड भी दस्या हुंदा है। ये साखी बिल्कुल सच हैं, ये मन घड़त नहीं है। तो चलो दोस्तों, हुण साखी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये साखी वड्डे महाराज जी के समय की है। महाराज जी का एक प्रेमी सेवक सी जो कि गरीब किसान परिवार के नाल संबंध रखता सी। डेरे तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर के आस पास के एरिए उसकी जमीन सी। तां उस दे जा शरीक जा उस दे पिंड वालियां नाल उसकी जमीन का कुछ रौला सी अते उन्हां उस जमीन उत्ते केस कीता होया सी। वो रोज़ महाराज जी कोल आके बेनती करता कि महाराज जी, मैं बहुत गरीब हाँ, ये लोग मैनू तंग करते हैं अते मेरी जमीन मेतों खोनी चाहते हैं। तो महाराज जी उन्हें तसली दिंदे रहिंदे कि तू अपनी जगह सच्चा है तो तेना परमात्मा माड़ी नहीं होने देवेगा, तू सब्र रख, परमात्मा तेरे नाल जरूर चंगी करेगा। हौली हौली करद्या समा लंघता गया, गर्मियों का मौसम आ गया अते कणक की फसल पक के तैयार खड़ी हो गई। जदों उसने अपने खेत वल गेड़ा मारिया तो की वेखता है कि तकरीबन 40-50 व्यक्ति जिन्हां हाथ विच डांगा सोटियां फड़ियां होए हन वह उस दे जमीन कोल आ के खड़े हन। ते जिस व्यक्ति नाल उसकी जमीन का रौला चलता सी ते ओह ते उहदे परिवार के कई होर मैंबर फसल नूं वढ रहे सन। तां ओह अकेला बेचारा की करता, वह नठा नठा रोंदा रोंदा महाराज जी के कोल गया अते उहनां दे पैरीं पै गया अते सारी घटना दसी। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हुण मेरा कुछ करो कि मैं तो भुखा ही मर जावगा। तो महाराज जी इन्नी गल सुन दे उठ खड़े होए तो उन्होंने कहा कि तू कोई परवाह ना कर, तू मेरे नाल चल, इंज किवें कोई तेरी फसल नूं वढ सकदा है। तो यह गल सुनदिया उस प्रेमी ने कहा कि महाराज जी, असीं दो जाने हाँ, एक तुसी ते मैं, ते उधर सामने इन्ने व्यक्ति हैं तो जिन्हां हाथ विच डांगा सोटियां फड़े हुए हैं, असी उन्हां सामने की करांगे। तो महाराज जी ने कहा, नहीं तू मेरे नाल चल, अते कहा देखो जो रब करदा चंगा ही करूँ। तो महाराज जी मूहरे मूहरे तो प्रेमी पिछे पिछे चलते चलते जमीन कोल पहुँच गए। जदों महाराज जी उत्थे पहुँचे तो उन्हां सारिआं ने महाराज जी नूं वेख के एकदम ही डांगा सोटियां ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।